हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस पता लगाएंगे ठीक है डिवाइन आपको क्या बताएंगे क्या कहेंगे आपसे तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से बिना देर करे रीडिंग और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए रीडिंग ये टाइमलेस है जब भी यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है ओके okay? और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करना सीखना है तो इसका भी ऑप्शन है सेम लिंक पर लाइक इंस्टाग्राम आई पर ही जाकर मुझको आप डीएम कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए चलिए अब हम रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस या मैसेजेस आ रहे हैं सेकेंड oh, देख लेते हैं यहाँ से क्या आने वाला है आप लोगों के लिए पहला है बिटर स्वीट हो माई गॉड। पहला ही अर्जेंट मैसेज लव लाइफ की तरफ से आ गया रिजेक्शन परसोवेरेंस यहाँ पे ना एक कार्ड आया विजडम का और ये कार्ड भी आ रहा है फेथ हम्म ग्रोथ एंड वी हैव एक्सेप्टेंस एंड आई एम सॉरी फॉर द नॉइज फॉरगिवनेस यहाँ यहां से क्वेस्ट का कार्ड है तो कार्ड्स आ गए हैं पहला जो कार्ड यहाँ आया है वो है बेटर स्वीट वाव ये कार्ड यही बता रहा है डोंट चेज योर पार्टनर एट ऑल डोंट नीड टू डू दिस आपको बिल्कुल चेज करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फॉलो योर डायरेक्शन फॉलो योर इंट्यूशन टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ ठीक है अभी लव लाइफ के लिए सही समय नहीं है आपकी लाइफ में और ये कार्ड आप कितना भी रो लो कितना भी कह लो इस इंसान को प्लीज़ ईट दिस केक है ना ये इंसान नहीं खाएगा ये इंसान नहीं आपको सुनेगा ये इंसान नहीं आपकी तरफ़ देखने वाला है तो अभी रोकर इस इंसान को चेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऑल ऑलवेज़ uh, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दें और अभी ना अगर आप इस इंसान को चेज़ ना करें तो आपकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो आपको ज़्यादा आपकी अटेंशन चाहते हैं उन्हें पूरा कर लो क्योंकि आपको कही कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि पता नहीं वो काम आपके ठीक से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे और आपका फोकस भी रॉन्ग डायरेक्शन में है लाइक अभी लव लाइफ़ पर ज़्यादा फोकस है जबकि एक और ऐसा एरिया है जहां पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इस पर्सन को चेस करेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा कुछ आउटकम मिलने वाला है इस सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे तो भी बहुत अच्छी अच्छा रहेगा आपके लिए अच्छी बात रहेगी ठीक है सो यूज़ योर विजडम यूज़ योर इंट्यूशन यूज़ योर यूज़ योर वॉट यूज़ योर प्रेयर्स लाइक प्रेयर करो प्रार्थना करो अगर ये कनेक्शन ये इंसान इंपॉर्टेंट है अदरवाइज अभी के लिए सरेंडर कर दो विजडम दिमाग से चलो ये पता लगाओ कहाँ पर कहना सुनना बोलना ज़रूरी है कहाँ पर चुप रहकर सिर्फ सब्र करना ज़रूरी है तो ये आपका विजडम है ना आपको बताएगा कि क्या करना है आपने जहाँ ज़्यादा टेंशन चाहिए वहाँ पर अपना फोकस लगा दो बिकॉज़ आपको फेथ के साथ काम करने की ज़रूरत है मुझे आपके आसपास डिवाइन दिख रहे हैं बहुत सारे कार्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों कार्ड में आपके साथ डिवाइन है आई नो कि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है पेनफुल हो सकती है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया होगा क्योंकि इन दो कार्ड में तो आप बहुत उदास दिख रहे हो आपका फेस देख सकते हैं हम लेकिन दोनों कार्ड में एक चीज़ कॉमन है डिवाइन ने आपका शोल्डर पकड़ा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो है ना और यही समझा रहे हैं कि प्लीज़ भरोसा रखिए सब अच्छा हो जाएगा जस्ट डू योर वर्क परफॉर्म योर एक्शंस परफॉर्म योर ड्यूटी और आप कर भी रहे हो बट आप खुश होकर नहीं कर रहे हो और कभी कभी तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि अब तो सब गया आपके हाथ से ना आपको ऐसा फील होता है बट जितना ज़्यादा सब्र रखवा रहे हैं आपसे डिवाइन हो सकता है उतना अच्छा आगे आपके लिए प्लानिंग भी कर रखी होगी मैं अपने सेकंड चैनल पर यूनिवर्स uh, के आगे के लिए क्या प्लानिंग है मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ तो यू हैव योर एंजल्स राइट नाउ ठीक है और जब आपके साथ आपके एंजल्स हैं आपके डिवाइन हैं आपके भगवान हैं तो आप डर क्यों रहे हो क्यों डर रहे हो एक बहुत अच्छा सा रील मेरे सामने आया था कुछ टाइम पहले हो सकता है आप लोगों के सामने भी आया हो उसमें ना ऐसा कुछ था कि जब कोई ट्रेन में आप बैठे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं किसी एरोप्लेन में तो आपको डर नहीं लगता कि पता नहीं आप अपनी डेस्टिनेशन पर ठीक से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे आपको विश्वास होता है कि हाँ चलो सब हैं तो मैं भी जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं पहुँच ही जाऊँगा या जाऊँगी ना तो ये भी सोच कर अपनी ज़िंदगी जिए कि आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाले परमात्मा हैं तो फिर इतना डर डरते क्यों घबराते क्यों आप परमात्मा आपसे कह रहे हैं अपना काम करो पूरे प्योरिटी के साथ विश्वास के साथ और फिर बाकी रिवॉर्ड की टेंशन ना करो वो ठीक टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा ठीक है तो ऐसे उदास होकर मायूस होकर काम ना करो खुश होकर हर दिन ये बोल कर के मेरा टारगेट मुझे अचीव हो जाएगा फिर चाहे जा वो कुछ भी है कुछ भी है हमेशा खुश रहकर आपको बोलना है कि मेरा टारगेट मुझे अचीव हो जाएगा बस ठीक है बट अभी के लिए आपके लिए बहुत अर्जेंट ये मैसेज है कि आप इस इंसान को चेज ना करें क्योंकि कोई बदलाव नहीं आने वाला अभी इस इस एरिया में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं थोड़े टाइम के बाद सिचुएशन टर्न हो जाएगी देखो यहाँ पर भी ना जो बॉटम द डेक्स कार्ड था ना ये कार्ड भी देखो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलते हुए दिख रही है, सो फॉलो दिस गाइडेंस गाइज डोंट चेज योर पार्टनर राइट नाउ जस्ट फॉरगिव जो आपका दिल दुखा रहा है जो आपको बुरा भला बोल रहा है जस्ट फॉरगिव देम, ठीक है उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए आप और अपने सही टाइम आने का वेट कीजिए अपनी लाइफ में ग्रोथ पर फोकस कीजिए कि आपको ग्रोथ लेकर आना है आपको सक्सेस लेकर आना है आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स इस वॉल पर टंगा देनी है कि ये मैंने अचीव किया ये मैंने अचीव किया ठीक है तो दिस फोकस ऑन योर ग्रोथ जस्ट फुल ऑफ़ फेथ ठीक है यू हैव विजडम टू सो यूज़ 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 योर विजडम ठीक है कहाँ आपको ज़्यादा बोलना है कहाँ आपको चुप रहना है कहाँ ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है कहाँ बिल्कुल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है यू शुड नो दिस काइंड ऑफ सनेरीज़ सो प्लीज़ ग्रोथ पर फोकस कीजिए यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए परफॉर्म योर ड्यूटी चाहे आपको खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी खुश होने की कोशिश करो मुस्कुराने की कोशिश करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो अच्छा वक्त भी आता है और ये चीज़ तो बिल्कुल सच है ना तूफ़ान के बाद रेनबो ही निकलता है आप सभी को पता है तो प्लीज़ इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है बस सही वक्त आने का इंतज़ार ही करना है अब आप में से लोग बोलेंगे कि कितना इंतज़ार कितना इंतज़ार भाई हर किसी की लाइफ अलग है हर किसी के लाइफ के पैटर्नस अलग हैं ठीक है ट्रस्ट करोगे ज़्यादा रिजल्ट की टेंशन नहीं करोगे तो शायद जल्दी आ सकता है परेशान होकर अपने काम करते रहोगे तो फिर आप वो लेसन ठीक से सीख नहीं रहे हो फिर उसमें टाइम ही लगेगा देखो पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का और एक कार्ड और आ गया है फ्रिम फाउंडेशन का बदलो अपने बिहेवियर को अपने नेचर को हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल हैं थोड़े प्रैक्टिकल बनो अपने अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस लेकर आओ यू नीड टू क्रिएट दिस दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ माउंटेन ठीक है फ्रिम फाउंडेशन ये एक सॉलिड फाउंडेशन uh, है जो आपने अपने लिए क्रिएट करना है आपको अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए ओके एंड शेडो जस्ट देखो खुद को खुद से मिलो क्या कमी है आपके अंदर जो आपको रिजेक्शन फेस करा रहा है क्या कमी है उसी को इम्प्रूव करने में सारा टाइम लगा दो अपने रुके हुए काम सारे पूरे करो हो सकता है आपके कुछ काम रुके हुए हैं उन्हें पूरा करो और रिवॉर्ड की टेंशन ना लेना अच्छा काम किया है अच्छा मेहनत किया है तो वो तो आपको आपको मिलकर ही रहेगा ये यूनिवर्स के नियम है जो किया है वो मिलेगा अभी नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो जैसे ही ख़त्म होते हैं देन आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा ठीक है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुस्कुरा कर काम कीजिए अपने सारे सब अच्छा हो जाएगा एट दी एंड ओके okay? चलो यहाँ से देख लेती हूँ मैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन पर्सनल इशू रिच इज रिजोल्यूशन यानी कि आपके जो आपके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उन्हें खत्म करना चाहते हो तो अपने कनेक्शन से थोड़ा सा ध्यान हटा कर उन चीज़ों पर लगाइए जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है ओके okay? एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है आपके लिए हो सकता है ये गाइडेंस आपको काफ़ी हेल्प कर देगी आपके आगे के एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सो so, अभी के लिए बस इतना ही आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी आपको पसंद आई होगी सो so, अभी के लिए बाय बाय टेक केयर